देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है, बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है। अब उठो देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। अब उठो देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। बनकर धारा बहना है हमको डगर डगर, बसती बसती गांव गली और हर एक नगर नगर। स्वच्छता की ज्योत जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी, जगमग जगमग सी ज्योत जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी, दम 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 के गाएंगे चम चमक चम 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 के गाएंगे। जिद पे आ जाए देश मेरा फिर देखना तुम, कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। जिद पे आ जाए देश मेरा, देश मेरा, देश मेरा फिर देखना तुम, कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। अब ठान के मुट्ठी कसने की बारी है, हर दिशा दिशा का मुखड़ा छप से धोना है। स्वच्छता की ज्योत जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी रे, स्वच्छता की बरखा आ गई रे, स्वच्छता की ज्योत जागी, दम चमक दम 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 के गाएंगे इंडिया, दम चमक चम 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 के गाएंगे इंडिया। मेरा नाम अनिल जैन है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और मैंने अभी अभी स्वच्छता केंद्र में गया और मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही इंट्रैक्टिव था, मेरे को बहुत कुछ जानने को मिला और मैं चाहता हूँ कि हम सब अपने घर में स्वच्छता बनाए रहें और हमें अच्छे सबको प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए जिससे हमारा देश स्वच्छ देश रहे। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम नवल जैन है और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। तो मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि मुझे कितनी सारी चीज़ें जानने को मिली और इनका जो स्लोगन है एक कदम स्वच्छता की ओर, और मोदी जी ने गांधी जी का जो मिशन था कि हर जगह क्लीनलीनेस रहे उसको कितने अच्छे से इंडिया में स्प्रेड करिए उसके बारे में अवेयरनेस। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं इसके बारे में और अवेयरनेस स्प्रेड करूँ। हेलो, माय नेम इज नैना जैन और ऑब्वियसली तुक्के की बात है, आज हम किसी और काम से आए थे बट मुझे लगता है तुक्के से नहीं जानबूझकर लोगों को ये म्यूज़ियम देखने आना चाहिए, इट्स अ मस्ट वॉच। और इतना कुछ सीखने को मिला, पता ही नहीं था कि मतलब देश कितनी आगे प्रगति कर रहा है, मतलब क्या क्या डेवलपमेंट्स हो गए हैं और हमारे कितने तरीके के नए नए सिस्टम बायोगैस वगैरह बन रहे हैं जिससे हम कितना कुछ कर सकते हैं। ऑसम एक्सपीरियंस, will highly recommend that people should come here and watch this place. Thank you so much. Thank you. नमस्ते, मेरा नाम निधि गुप्ता है और ये मेरा बेटा देवाश गुप्ता और ये मेरे पिताजी हैं दिनेश कुमार गोयल। हाँ जी, मैं दिल्ली से ही हूँ और हम यहाँ पे अभी राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र में आए थे। हमने यहाँ पे सब देखा, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम करा है, काफ़ी जानकारी हमें प्राप्त हुई किस तरह शौचालय बनाए गए और सारी स्वच्छता का ध्यान रखा गया। मेरे बेटे को भी काफ़ी अच्छा लगा और मेरे पिताजी ने काफ़ी आनंद उठाया और जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी कैसे कैसे सारा गवर्नमेंट ने आगे काम करा है, कैसे कैसे प्रगति हुई है, कैसे कैसे पूरे देश को शौचालय बनाए गए थे, सारे लोगों को सुरक्षा भी दी गई है, महिलाओं को कितनी परेशानी होती थी शौच करने में जिसका समाधान मोदी जी ने कराया है और गांधी जी के कारण जो सब इतनी स्वच्छता का हुआ है हमारे देश में,
बहुत खुश है सर, जो प्रगति हुई है सर इससे बहुत खुश है, काफ़ी अच्छा है, हमारा अनुभव बहुत बढ़िया रहा देखकर सर। और इसको और ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए लोगों के लिए, कंपलसरी भी करना चाहिए और जागरूकता इस बारे में स्कूलों में कॉलेज में कंपलसरी करना चाहिए, ताकि उससे उनका एनर्जी और ज्ञान उनकी नॉलेज सब कुछ बढ़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष गांधी, मैं हूँ टीचर और रोहिणी से आया हूँ, और स्वच्छता के बारे में या स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बच्चों को मैं खूब पढ़ाता हूँ, लेकिन आज पहली बार इस स्वच्छता केंद्र पर विजिट करने के बाद मुझे पता लगा कि मोदी गवर्नमेंट ने कितनी गहराई तक पेनिट्रेट किया है महिलाओं की सबसे विकट समस्या के ऊपर, और वो है उनके लिए शौच जाने की जो असुविधा उनको गांव में होती है। हर गांव में जो टॉयलेट बनाए गए हैं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी गाँव, और ये केंद्र जो है ये इस बारे में पूरा ध्यान देता है। वक्त ने करवट बदली है, बदली है, जिद आँखों पे ठहरी है, ठहरी है, ठहरी है, पौधा था तब पेड़ है जो अब जड़े जा चुकी गहरी है, राह सही थी चुनी हमें गर्व है, बात बापू की सुनी हमें गर्व है, स्वच्छता का अपना ये पर्व है, किया है आविष्कार हुआ नव ऊर्जा का संचार, आओ गिराए सारे पहाड़ के जिन पे खड़े हुए शैतान, हमारी आन हमारी शान, हमारे शहर हमारी जान, बने संस्कार शपथ संकल्प, स्वच्छता ही इकलौता विकल्प, गर्व कर तकनीकों ने तकदीरों को सजाया है, बच्चे बच्चे ने खिलकर खुलकर देश का साथ निभाया है, हम